नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 सिविल सर्विसेज में। आरओ 2022-23 की आने वाली वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी करने में लग जाइए। पूरा सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें, सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट दूर मतलब बचा रह जाए, कंफ्यूजन बचा रह जाए, तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें बताई गई है। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं हमारा, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, वीडियो नंबर 1, इसको देखना बेहद जरूरी है। पेड ग्रुप चालू हो रहा है, उसमें डेली मॉड्यूल वाइज मिलेगा, मतलब जितना आपको पढ़ना है वो डेली ही हम देंगे। डेली करीबन आपको 5 घंटे के आसपास अगर आप दे दें अभी से, तो बिल्कुल पूरी तैयारी हो सकती है। और इस तरह से तैयारी हो सकती है कि भैया चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, आराम से आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इतनी तैयारी करवाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में भी। लेकिन अगर कोई पेड ग्रुप नहीं भी ले रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको मेहनत करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। फ्री क्विज चल रही है ऑलरेडी, फ्री क्विज वाले चैनल में, वो भी मैं दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए। और डेली फ्री क्विज का जो है पूरा यहां पे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा जितने भी पेड मॉड्यूल आएंगे सब पे बिल्कुल फ्री वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होगी उस पे भी बिल्कुल फ्री वीडियो मिलता रहेगा। प्लस जितने भी पेड ग्रुप में इनिशिएटिव लिए जाएंगे सब पे वीडियो बिल्कुल फ्री ही मिलेगा। वीडियो फ्री थे, वीडियो फ्री हैं, वीडियो फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप वालों के लिए वीडियो नंबर 1 है ये स्ट्रेटेजी वीडियो, पूरा इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, तभी मॉड्यूल जो है फॉलो करना चालू करिएगा। पेड क्विज भी चालू हो चुकी है, ये जरूर ध्यान रखिए कि पेड क्विज भी अटेम्प्ट करते जाना है। इस पेपर के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और शुरू से ही हम बिल्कुल प्रैक्टिस कराएंगे, रगड़ कर रख देंगे बिल्कुल। ये मतलब रगड़ने वाला मतलब ये है कि भैया अगर आप जो है पढ़ने को तैयार हो तो पूरी तरह से जितना जरूरी है, जितना सफिशियंट है, सब कुछ कराया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को एक बार अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन इसमें भी हो सकता है। प्लस आरओ यारो का जो सिलेबस है जीएस और हिंदी, उसके लिए अगर किसी और एग्जाम में भी ये सब चीजें कॉमन है तो फायदा आपको कई सारे एग्जाम में मिल सकता है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ आरओ यारो 2022 यूपीपीएससी वाले के लिए ही रहेंगी। सबसे पहली बात तो यह कि अगर किसी को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो यही 3 नंबर है, बस इसी 3 पे जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट मिल सकता है। 8564880530969606089752386445। जिसको भी बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है उसको पहली बात तो 2 टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए एक बार, और इसको फॉलो करके रखिए। फ्री क्विज भी मिलेगी, जितने फ्री वीडियो देंगे सबके लिंक भी, नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्लस इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कई सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, 3-4 प्लेलिस्ट है, उनको फॉलो करके रखिए। एक आरओ यारो 2022-23 की मेन प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लस हिंदी की प्लेलिस्ट है, प्लस पेड क्विज भी हम इसमें जो दे रहे हैं उस पर भी वीडियो की प्लेलिस्ट दी जाएगी, पीवाईक्यू की भी प्लेलिस्ट दी जाएगी। पहला टेलीग्राम चैनल ये वाला है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इनवाइट लिंक के बाद ये ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। ये दूसरा चैनल है हमारा एससीएस डेली क्विज का, इसको जरूर फॉलो कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री हम क्विज करवा रहे हैं यहाँ पे, डेली 25 क्वेश्चन दे रहे हैं आरओ यारो 2022-23 के लिए। दोनों चैनल की लिंक जो है, दोनों चैनल को लिंक से ही ज्वाइन करिएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक से ही ज्वाइन हो पाएंगे ओरिजिनल जेन्युइन चैनल। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको फ्री वाले चैनल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जितना पेड ग्रुप में लेकिन दिया जाएगा, पेड एक जो मटेरियल वाला है, प्लस अगर जो भी आपने रिस्पेक्टिव ग्रुप लिया होगा, प्लस पेड क्विज में आप जरूर होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और पेड क्विज को बिल्कुल फॉलो भी करते रहना है, ठीक है, पेड क्विज को किसी भी हालत में इग्नोर मत करें। इस बार हमारी पूरी की पूरी कोशिश है, पूरा दम लगाएंगे हम इस बार कि सिर्फ पेड क्विज से ही प्री के लिए जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन पेड क्विज से ही आए, मतलब इतना क्वेश्चन आ सके कि भैया कट ऑफ एटलीस्ट पेड क्विज से निकल सके। लेकिन उसके लिए मॉड्यूल्स पढ़ने भी जरूरी होंगे, वो सब हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना। ये वाला जो आरओ यारो का बैच है ये 4 अगस्त 2022 से चालू हो रहा है, डेली आपको 8:30 बजे मॉड्यूल मिलेगा, मतलब कि डेली जितना पढ़ना है वो हम आपको उतना ही देंगे डेली पीडीएफ वाइज। 12-13 या 14 पेजेस की होगी पीडीएफ, बस उतना ही पढ़ना है, उसी में करंट होगा, उसी में हिंदी होगा, उसी में जीएस होगा, सब कुछ उसी में होगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अलग से पेड क्विज में भी कराएंगे, और जो लोग डिस्कशन में है उनके लिए भी अलग से डाउट क्लियरेंस और वो सारे सेशन रहेंगे। रीजनिंग के लिए बाकायदा एक हमारी फाइल भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उसमें, जितने भी मटेरियल जो ग्रुप है जिसने लिया है मटेरियल वाला ग्रुप उसको वो दिया जाएगा फाइल, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रुप की ड्यूरेशन है ये 4 अगस्त 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक रहेगी, लेकिन अगर एग्जाम थोड़ा आगे भी बढ़ा तो हम पूरा सपोर्ट जारी रखेंगे, बीच में हम साथ नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा पहले भी कई बार हमने जो है किया है, अभी बीपीएससी का जैसे एग्जाम इतने बार पोस्टपोन हुआ है, अभी भी उस ग्रुप में एटलीस्ट करंट अफेयर का अपडेट तो दे ही रहे हैं और कोई भी ग्रुप डिलीट नहीं किए गए हैं। तो अगर 1-2 महीने आगे पीछे भी हुआ तो उसमें सपोर्ट जारी रखा जाएगा, इवन मार्च 2023 तक का सपोर्ट मिलेगा,
लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं पहले ही, ये वाला जो ग्रुप है इसमें कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री 2022-23 की ही रहेगी। इससे आपको जीएस और हिंदी का जो है बाकी एग्जाम में अगर फायदा मिल रहा है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट सिर्फ आरओ एआरओ के लिए ही रहेगी, ना ही बीओ के लिए और ना ही पीसीएस के लिए। इस वाले ग्रुप में सिर्फ आरओ एआरओ के लिए ही बात होगी, उसी से रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, उसी के जो है अकॉर्डिंग पेड क्विज में क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनेगी, जो डिस्कशन ग्रुप होंगे उसी से रिलेटेड आप आरओ एआरओ से रिलेटेड ही सवाल पूछ सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड, या फिर कोई आपको डाउट आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई चीज पढ़ने में नहीं समझ में आ रही, पीडीएफ नहीं ओपन हो रही, सारे चीजों का डिस्कशन के लिए ग्रुप है। ठीक है, तो ये है पूरा आपको बता दिया गया पहले। अब ये डेली आपको एक मॉड्यूल दिया जाएगा, ठीक है, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देंगे हम पेड क्विज में, 2-3 दिन के अंदर उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, करीबन 25 क्वेश्चन हम देंगे मॉड्यूल पे बेस्ड। उसके अलावा हिंदी की भी हमारी पेड क्विज में पूरी प्रैक्टिस चल रही है, 60-60 क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में आते हैं बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिस चल रही है, और वो लगातार 100 दिन चलेगी कम से कम, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कराएंगे। और बिल्कुल यूपीपीएससी का जो आर ओ आर वाला पेपर है उसी के पैटर्न पे, लेटेस्ट ट्रेंड के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, प्लस जो जो बदलाव आयोग करता है उसके हिसाब से ही सब कुछ करवाएंगे। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारा प्रयास यही रहेगा कि पेड क्विज से बाहर कोई क्वेश्चन ना आने पाए, लेकिन आपको मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, करीबन 5-6 घंटे मुझे चाहिए डेली पढ़ाई करने के लिए आपके। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं बस इतना ही करिए। बाकी देखिए अभी वैकेंसी नहीं आई है, अनाउंस नहीं हुई है, उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो सिर्फ आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बताई जा सकती है। हम सिर्फ सिलेबस के एक्सपर्ट हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट जो है जितना हमने लिया है उसी को पूरा करेंगे। अब लेकिन समस्या ये होती है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है 1-2 महीने मिलते हैं, उतने में यूपीपीएससी आरओ आरओ जैसे पेपर की तैयारी नहीं हो सकती है, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट की लगातार हमारे पास डिमांड आ रही है, इसीलिए ग्रुप हमने चालू किया है, ताकि आपकी अगर आप सही बात सिलेक्शन के लिए सीरियस हो तो भैया तैयारी अभी से चालू कर लीजिए, चाहे हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके, चाहे जो है हमारे फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन करके। यूपीपीएससी के जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सिर्फ फॉलो कर लीजिए, वैसे भी एक सोर्स को फॉलो करना होता है, 10 जगह लिबिल लिबिर नहीं करना होता है, 10 जगह लिबिल लिबिर करोगे तो पीएचडी हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लो, आराम से हो जाएगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए। मैं बता चुका हूं पिछली बार 2021 में जबकि टफ पेपर आया था फिर भी हमारे पेड ग्रुप से करीबन 20% से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, और जो हमारा सिलेक्शन रेट है वो भी करीबन 20% के आसपास है, मतलब 100 लोगों में से जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से करीबन 20 लोग हो जाते हैं, बाकी 80% यही है कि बहुत सारा जो है उनके अंदर भटकाव रहता है, 10 जगह का मटेरियल फॉलो करते हैं, लगातार कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके आए। अब देखिए कट ऑफ भी कितना जाएगा, 130-135 के इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, पिछली बार भी करीबन जो 200 नंबर का पेपर हुआ है करीबन 165-170 क्वेश्चन हमारे से आए थे, बाकायदा सब प्रूफ दिए हुए हैं टेलीग्राम में। तो हम भैया सिलेबस के एक्सपर्ट हैं, उसी से संबंधित पूरा जो है कमिटमेंट है हमारा, और सारी चीजें लेटेस्ट अपडेट करके ही देंगे, जो भी अपडेट्स होंगे ग्रुप में आपको ऑलरेडी मिलते जाएंगे, कुछ भी लेटेस्ट ट्रेंड हुआ पैटर्न चेंज हुआ वो सब हम आपको ग्रुप में बताते रहेंगे, बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे आपको, वो सारे भी फॉलो करने हैं। अब देखिए जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप लिया है उनके लिए पहली बात तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने टोटल वाला ग्रुप लिया है तो एक आपको मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इसमें डेली मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, उसी में जीएस होगी उसी में हिंदी होगी। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा, जो कि एक सेक्शन है उसको हम अलग से जो है पीडीएफ और वर्ड फाइल में देंगे, जो डिस्कशन में है वो लोग रीजनिंग से संबंधित डाउट भी पूछ सकते हैं, मॉड्यूल से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, कोई चीज आप पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रही वो भी वहां पर पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन हम रीजनिंग के पेड क्विज में भी प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ उसका आंसर दिया जाएगा, सॉल्यूशन उसका तभी मिल सकता है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन तभी मिल सकता है अगर आप डिस्कशन वाले ग्रुप में होंगे, तभी उस पे डाउट क्लियरेंस हो सकता है। बाकी पेड क्विज में हमने इस बार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जरूर पेड क्विज में ज्वाइन मतलब देते रहे हम आपको। पेड क्विज बहुत ज्यादा मतलब हमारा जो है एफिशिएंट होता है। अभी आपने पीसीएस 2022 का जिन लोगों ने भी अगर पेपर देखा हो उसमें 150 क्वेश्चन में से करीबन 56 क्वेश्चन आए थे सिर्फ पेड क्विज से। ठीक है, तो पेड क्विज में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है इस बार, बल्कि मैं बता रहा हूं आपको कि मैं एकदम जो है प्रैक्टिस लगातार रहेगी। अगर आप यहां पे हमारे स्टडी फॉर सिविल में हैं तो भैया देखिए सिंपल बात एक समझ लीजिए, मेहनत करने वाले हैं अगर आप, पढ़ाई कर सकते हैं तो सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करवाएंगे हम, लगातार हमारी टीम मेहनत करती है अपडेट करती है, आपको बस क्या करना है फॉलो करना है, जितना हम बताते जाएं उतना आप फॉलो करते जाइए बिना लपर लपर किए हुए, बस जितना हम देते जाएं उतना ही फॉलो करना है बस। इसके अलावा कहीं से कोई टेस्ट सीरीज नहीं पढ़नी है, कोई करंट अफेयर नहीं लेना है, कोई मैगजीन नहीं लेनी है, जितना हम देंगे बस उतना ही सफिशियंट है। और ये प्री का ग्रुप है लेकिन इसमें मेंस का भी 180 नंबर की तैयारी हो जाएगी, कैसे अभी मैं बताता हूं। तो भैया पेड ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया 3 चीजें जरूर देखिए, पहला स्ट्रेटेजी वीडियो जो ये चल रहा है इसको पूरा लास्ट तक देखिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इस वाले वीडियो को सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग ही देख पाएंगे, उसमें पूरी बताई जाएगी कैसे जो है आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, क्या चीजें जो है आपको फॉलो करनी है, इस तरह से है ये।
ये दोनों वीडियो के बाद ही आप ग्रुप से जो है पढ़ना चालू करिएगा। और एक और चीज है कि आप पेड क्विज में जरूर होने चाहिए, तभी आप जो है सारे इनिशिएटिव का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, डे वाइज मॉड्यूल को उसी दिन पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश छूट भी जाता है तो उसको आगे पीछे करके कॉम्पनसेट कर लीजिएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। डेली 8:30 बजे आपको मॉड्यूल मिलेगा, शेड्यूल्ड है, बिना किसी गैप के, कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगी इसमें किसी भी तरह से। अगर आप उसमें छुट्टी मनाते हैं तो आगे पीछे करके आपको कॉम्पनसेट जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया 5 से 6 घंटे सफिशियंट है। आर ओ आर ओ का एग्जाम में काफी सारा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और पेड क्विज में हम बहुत भरपूर कोशिश करते हैं, एक तो पेड क्विज में हम क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, प्लस हमारे टेस्ट सीरीज भी रहेंगे, जिन लोगों ने भी फुल पेड ग्रुप लिया है या टेस्ट सीरीज वाला लिया है, उसके अलावा भी हम कई सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले भी देंगे आपको। और पेड क्विज में भी हम उसी तरह से क्वेश्चन कराएंगे जिस तरह से जो है आयोग के ऑफिशियल पेपर में आते हैं। चलिए अब पूरा जो है बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले उसका पता तो हो कि भैया सिलेबस क्या है, तभी तो कुछ कर पाओगे। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। उससे पहले एक बार ये 2021 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इससे कई सारी चीजें आपको समझने में आ सकती हैं। ठीक है, ये इतनी जगह समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो है वैकेंसी पिछली बार निकली थी, इस बार देखने वाली बात होगी कितनी निकलेंगी, लेकिन ये वाला अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी निकल सकती है। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या आरओ के लिए भी ओ लेवल चाहिए। देखिए, अगर आरओ की नॉर्मल वैकेंसी है तो उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट ही मांगते हैं, और फिर जो ओ लेवल किसके में मांगते हैं, एआरओ के लिए प्लस जो स्पेशल कुछ वैकेंसी होती है उनके लिए। तो जो नॉर्मल आरओ है उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट ही मांगते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शैक्षिक अर्हता अगर आप देखें एडुकेशन वाला, तो इसमें क्या है कि जब भी इसमें नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब इसकी डिग्री अवश्य धारित करनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ये सब चीज नोटिफिकेशन का पार्ट है। 2021 में जब डेट आएगी उसकी डेट अलग हो सकती है। एज लिमिट यहाँ पे होती है 21 से 40 साल। अगर ये जल्द ही वैकेंसी आती है तो देखिए, एक चीज है कि यूपीपीएससी आयोग में कोई भी वैकेंसी होती है तो 1 जुलाई से ही मानी जाती है। अगर मान लीजिए 2022 में अभी एक आध महीने में आती है जब भी, तो वो क्या मानी जाएगी, 1 जुलाई 2022 से मानी जाएगी फिर। ठीक है, 21 से 40 साल होना चाहिए नॉर्मल के लिए। बाकी अपना जो एससी एसटी और ओबीसी उनको जो है 5 साल की छूट मिल जाती है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। चलिए, खैर ये सब नोटिफिकेशन का पार्ट है। मैं आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ कि भैया किस तरह से परीक्षा होगी। देखिए, ये पैटर्न है, सिर्फ 2 स्टेज है इस परीक्षा की। एक है प्रीलिम्स, इसमें आपका एक जीएस का पेपर होता है, उसी में रीजनिंग हो जाती है, उसी में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ इसी में, यूपी स्पेशल सब कुछ इसी में। 140 सवाल आते हैं, 140 नंबर का पेपर होता है। दूसरा होता है हिंदी का, 60 सवाल आते हैं, 60 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस प्रीलिम्स से क्या डिसाइड होता है, सिर्फ ये डिसाइड होता है कि आप मेंस परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी किसी भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर आपका होता है मेंस एग्जाम। तो मेंस में क्या है, मेंस में देखिए दो तरीके से है ये। एक है जीएस का पेपर, 120 नंबर का होता है, और इसमें सेम सिलेबस होता है जो प्री का सिलेबस है। तो जीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम रहता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, सारे पॉइंट डिट्टो सेम है। तो जब भी प्रीलिम्स होगा उसके 3-4 महीने बाद जो है मेंस हो जाती है, बस आपको 1-2 महीने का करंट अपडेट करना होता है, बाकी जीएस की तैयारी जो प्री की है वही मेंस की है। ठीक, और आरओ में अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, भैया जी और बहनी जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 280 नंबर की हिंदी आती है, समझ रहे, 400 नंबर का टोटल मेंस होगा, 120 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी जीएस। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा, बाकी 280 नंबर की हिंदी आती है जिसमें कि 60 नंबर की होती है ऑब्जेक्टिव हिंदी। तो जो प्री का सिलेबस है हिंदी वाला, ऑब्जेक्टिव का वही यहां पे है, बस यहां पर्यायवाची नहीं है। प्री में 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, यानी कि यहां 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बाकी बचा इसमें 220 नंबर। तो भैया जी और बहनी जी, यहां पे निबंध 120 नंबर का आता है, वो भी हिंदी निबंध होता है, 3 निबंध लिखने पड़ते हैं हिंदी में, और 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी भी आता है। तो आरओ यारओ में भैया अगर सिलेक्शन लेना है, ध्यान से सुन लीजिए, हिंदी बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का होता है, सॉरी सिर्फ हिंदी मीडियम वालों का होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं हो सकता है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको हिंदी में पकड़ बनानी पड़ेगी। हिंदी पहली बात तो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 60 में 60 भी लाते हैं। अगर आपके प्री में 60 में जो है हिंदी में करीबन 50 से नीचे कम नंबर, 50 से कम नंबर है, तो मतलब आप प्री में ऑलरेडी जो है काफी पिछड़ चुके हैं। 50 से ऊपर नंबर प्री में भी लाने हैं, मेंस में भी लाने हैं, प्लस कन्वेंशनल हिंदी होती है 100 नंबर की, उसमें भी लगातार तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव हिंदी एक बार आपने प्री क्लिक कर ली तो वो मेंस क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो चीज मैंने बताई थी वही यहां लिखी हुई है, 2021 का ही है ये, पिछली बार का ही है। ठीक है, 140 प्रश्न है ये। देखिए, परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, प्रारंभिक मतलब प्रीलिम्स वाला, ठीक है,
तो प्रीलिम्स में पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, 140 नंबर का पेपर है, 140 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, प्रश्न भी 140 और जो है टोटल नंबर भी 140, दो घंटे का पेपर होता है, ये 10 सेक्शन में पूरा बटा हुआ है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए पहली बात तो परीक्षा में निकालने के लिए ऑफिशियल सिलेबस को बिल्कुल बाई हार्ट फॉलो करना पड़ता है और वो सारा काम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करेगा आपके लिए, आपको जितना हम देते जाएंगे बस उतना ही पढ़ना है, पूरा इसमें उतना ही आपको मटेरियल दिया जाएगा जितना आरओ यारओ यूपीपीएससी का आरओ यारओ ही जो है आराम से उसमें सिलेक्शन लिया जा सके। 10 पॉइंट है, देख सकते हैं, हिंदी है, सॉरी विज्ञान है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, अच्छा यहाँ पे इतिहास को दो बार लिखा गया है, एक तो भारत का इतिहास है तो इसमें भी एंशियंट मीडियवल मॉडर्न आ गया और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका अलग से यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट में लिखा गया है टोटल इतिहास को। फिर बाकी जो पॉलिटी हो गया, अर्थव्यवस्था संस्कृति हो गया, कृषि वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण हो गया, भूगोल वाला पार्ट हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, पूरा करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और ये फिर हो गया रीजनिंग, फिर प्लस यूपी स्पेशल हो गया। तो ये है 10 पॉइंट का जीएस का सिलेबस, ये सेम टू सेम सिलेबस है मेंस के लिए, बस डिफरेंस क्या है कि प्री में 140 सवाल आएंगे 140 नंबर के और मेंस में 120 सवाल आएंगे 120 नंबर के, ठीक है। फिर ये प्री का देखिए आप सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा का है, यहाँ पे शब्द जो है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का होगा, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव है, ये वाला पेपर भी 60 सवाल आएंगे, 60 नंबर का आएगा, 6 यहाँ पे टॉपिक है, जितना हम देंगे उतना ही सफिशियंट रहेगा, ठीक है, 60 सवाल और 60 नंबर, इसमें आपको मैक्सिमम खींचने हैं, इसलिए हम इसमें बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, कंटेंट भी देंगे जितना जो है सफिशियंट है उतना कंटेंट दिया जाएगा आपको, और इसमें प्रैक्टिस भी रगड़ के करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछली बार भी हमारे बैच में जो है करीबन अगर आप देखें जो पिछली बार 2021 का पेपर था, सिर्फ दो क्वेश्चन इसमें हमसे मिस हुए थे प्री में, बल्कि ये सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट में हुए थे, हमने पेड क्विज में पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा रखे थे, ठीक है। तो जितना हम पेड क्विज में करवाएं बस उतना ही करना है आपको, और हमारे बैच से जो हिंदी वाले में करीबन लोगों ने अभी तक उसके मार्कशीट तो नहीं आया है, लेकिन जो आंसर की आई थी उससे लोगों के हिंदी में 58 तक सही हुए हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात है, लोग 60-60 भी ले आते हैं, हमारे बैच में कई सारे लोग 60-60 भी ला चुके हैं, ठीक है। तो लगातार आप जितना बताएंगे बस उतना ही करिएगा। आप देखिए मेंस का देख लीजिए एक बार सिलेबस, मेंस में क्या है भैया, देखो सामान्य अध्ययन है, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जैसा है, लिखा है कि नहीं, 120 सवाल 120 अंक, यानी कि जीएस का सिलेबस सेम है। फिर भैया हिंदी का देख लो, चलो हिंदी में क्या क्या है वो भी समझ लीजिए, एक है परंपरागत यानी कि सब्जेक्टिव हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, इसमें लिखना पड़ेगा हिंदी बाकायदा, ठीक है, लिखने वाला है, 100 नंबर का है ये पेपर, 2.5 घंटे का है, इसमें क्या क्या आएगा, गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या, पत्र लेखन हो गया, ठीक है, और पारिभाषिक शब्दावली हो गई, कंप्यूटर ज्ञान हो गया। तो ये 100 नंबर का पेपर मेंस का होता है, ये वस्तुनिष्ठ हिंदी देख लीजिए आप, इसमें ये देखिए, ये पहले मेंस का सिलेबस देखिए, अब बिल्कुल ये जो पॉइंट है ये देख लीजिए, यहाँ 60 नंबर का पेपर होता है और 30 सवाल आते हैं, ठीक, प्री में क्या है 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 60 सवाल आते हैं, यहाँ पे पर्यायवाची नहीं होता है मेंस के सिलेबस में, बस बाकी सिलेबस सेम है। देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, पर्यायवाची है 6ठा पॉइंट, ये सिलेबस है किसका, प्री, यहाँ पे ये देखिए ये मेंस का ऑब्जेक्टिव हिंदी का सिलेबस है, तो यहाँ पर्यायवाची नहीं है बस, ठीक। फिर ये हिंदी निबंध है भैया, 3 घंटे का पेपर है और हिंदी निबंध है, मतलब हिंदी में ही लिखना है, कई लोग बाद में पूछते रहेंगे कि भैया क्या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये हिंदी में ही लिखना है, हिंदी में ही प्रैक्टिस करनी है। 3 निबंध आते हैं 600 वर्ड के, 3-3 सब में जो है ऑप्शन दिए होते हैं, 3 सेक्शन के होते हैं, इस तरह से आता है ये पूरा, ठीक। जो प्रीलिम्स का हमारा ग्रुप चालू हुआ है उसमें हम क्या क्या करवाएंगे, हमारी रिस्पांसिबिलिटी कमिटमेंट किस चीज का है, ये दोनों चीजों का, जो ये सामान्य अध्ययन है पूरा 140 नंबर का और ये जो है आपका हिंदी वाला है 60 नंबर का। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो 200 नंबर का है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि भैया जीएस का जब सेम ही सिलेबस है मेंस का, तो 120 नंबर वो भी कवर होगा, सिर्फ करंट अफेयर का अपडेट करना पड़ेगा, तो 1-2 महीने का जो हिंदी में आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वही आपको मेंस में भी काम आएगी। पर्यायवाची वाला नहीं है शब्द, लेकिन आप प्री के लिए पढ़ लेंगे तो भैया आपको मेंस में काम आ जाएगा, मेंस में पर्यायवाची मत रिविजन करना। इस तरह से अगर आपने प्री का बैच लिया है तो 180 नंबर की आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है, जो 220 नंबर की, मतलब टोटल हम 400 नंबर की तैयारी के लिए मेंस का अलग से बैच चलाएंगे, उसकी अलग से फीस ली जाएगी पूरी, लेकिन उसके भी प्री इनिशिएटिव बाकायदा दिए हुए हैं यूट्यूब में। 2021 में भी हमने पूरे इनिशिएटिव जितने लिए थे, 2017 में 16 में सारे इनिशिएटिव की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमारी कमिटमेंट और जो है रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, सिर्फ प्रीलिम्स की है, ठीक है। तो भैया अगर आपको 2000 ये आर ओ आर ओ की मेंस की तैयारी प्री के बाद आराम से हो, एक बात और है कि आप ये बात समझिए कि प्री में करीबन 5-6 लाख लोग देते हैं पेपर, प्री में निकालना बहुत टफ है, ठीक है, और जितनी वैकेंसी होती है उनका 15 गुना मेंस में जाते हैं,
तो मेंस के लिए टाइम भी होता है करीबन 3 से 4 महीने का। आपने प्री की अच्छे से तैयारी कर ली तो मेंस की 180 नंबर की तो पहले ही से तैयारी है, बाकी जो 220 नंबर की है उसके लिए बाकायदा हम ग्रुप चलाते हैं, टास्क देते हैं, कई सारे टेस्ट पेपर देंगे लगातार जो है उसमें, डेली बेसिस पे वहां पे टास्क मिलते हैं, डेली लिखना पड़ता है आपको, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा। हिंदी के लिए बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास। यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं पीसीएस और बीओ में, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हिंदी पढ़ ली तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे, और पिछले 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे है, प्लस चप्पे चप्पे पे लेटेस्ट ट्रेंड लेटेस्ट पैटर्न सब पे जो है पूरी हमारी पकड़ रहती है, काम ही हमारा ये यूपीपीएससी के लिए ही हम पूरे दिन रात जो है दिन रात काम करते हैं, पूरी टीम हमारी लगी रहती है मेनली यूपीपीएससी के लिए ही, यूपीपीएससी आयोग को ही जो है हम फॉलो करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न बदल रहा है क्या ट्रेंड बदल रहा है सब हम आपको बताते जाएंगे पेड ग्रुप में। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर आपको आरओ यारो 2022 से इसकी में सिलेक्शन लेना है वैकेंसी में, तो पहले प्री में जो है रगड़ के तैयारी कर लो, प्री निकालना बहुत टफ है, और उसके बाद 3-4 महीने होते हैं आराम से मेंस की, जो 220 नंबर की बच्ची है तैयारी, 180 की तो पहले ही जा रही है प्री के साथ, वो आराम से हो सकती है, काफी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ना चालू करिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी आरओ यारो प्री और मेंस का वस्तुनिष्ठ हिंदी का सिलेबस सेम है, जो ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, सिर्फ मेंस में पर्यायवाची नहीं है, जीएस वाले पॉइंट भी मेंस में फायदेमंद हो सकते हैं, बस लेटेस्ट करंट आपको अपडेट रखना पड़ेगा। 2022-23 का डेडिकेटेड मेंस का अलग से पेड ग्रुप चलाया जाएगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी, उसमें आंसर राइटिंग फीडबैक लेटेस्ट मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। ऐसे उसमें क्या करते हैं, मेंस में हम ऐसे के लिए भी अलग ग्रुप चलाते हैं, कन्वेंशनल हिंदी के लिए भी अलग, ऑब्जेक्टिव हिंदी वो सबके लिए अलग 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 रहता है, मतलब ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं, ये हिंदी का है ये पूरा। ठीक है, ये कट ऑफ भी देख सकते हैं आप, प्रीलिम्स का कट ऑफ देखिए, जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी तब तक तो अच्छा खासा कट ऑफ जाता था 75% के आसपास तक, 2013-14 में आप देख सकते हैं, लेकिन 2017 में भी और 2016 में भी निगेटिव मार्किंग जब इंट्रोड्यूस कर दी गई, ये आरओ का कट ऑफ है मैक्सिमम वाला, एआरओ का तो काफी कम जाता था अभी तक, आप कई सारा जो डिग्री को ओ लेवल के इक्विलेंट कर दिया है तो थोड़ा सा कंपटीशन एआरओ में भी बढ़ सकता है, तो एआरओ में भी शायद थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, लेकिन आरओ से तो कम ही जाएगा, इस तरह से है ये, आप देख रहे हैं ये, अगर आप इस तरह में अगर समझिए 200 में आपको मतलब टारगेट रख के चलना है किसी भी तरह से 145 का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये समझिए कि अगर आपने 60 में हिंदी में 55 भी ला दिए किसी भी तरह से, मिनिमम 55 और टारगेट तो पूरा 60 का 60 रखिए, और 60 में 60 लाना कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है, हिंदी वाले पेपर में लोग लाते हैं, पहले भी लगातार ला रहे हैं लोग, मतलब 2013-14-16-17 लगातार लोगों, कई सारे लोगों के आते हैं इसमें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दो बिरले होते हैं, तो 60 अगर आप 55-60 इधर ले आए तो बस जीएस में कितना बचा जो है 140 में से आपको बहुत ज्यादा जो है 80-85 भी किसी तरह आ गया तो आराम से कट ऑफ निकल जाता है, बल्कि ये तो मैंने बताया 140-45 का कट ऑफ तो निगेटिव मार्किंग वजह से और ही कम जाता है, अभी 2021 का फाइनल कट ऑफ प्री वाला तो पता ही नहीं चला है, वो भी शायद 130 के आसपास गया था, 145 का टारगेट रखोगे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, और जितना हम देंगे जितना हम डेली मॉड्यूल देंगे प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज में टेस्ट सीरीज में उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, उसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीपीएससी आरओ यारो लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्लस जो है बेस्ट गाइडेंस प्लस प्रैक्टिस सब कुछ इसी में मिलेगा। टॉपिक वाइज थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं कि भैया कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप हिस्ट्री है टोटल मिला के अगर आप देखें, हिस्ट्री का मतलब यहां पे हमने वो वाला भी ले लिया है, एक तो भारत का इतिहास और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो दोनों मिला के करीबन 20 के आसपास सवाल आ जाते हैं, 20 से लेकर 23 तक। ज्योग्राफी अच्छा इसमें ज्यादा पूछते हैं, आरओ एआरओ का जो है फेवरेट एरिया होता है ज्योग्राफी, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए री एग्जाम में 2016 वाले में 25 क्वेश्चन तक पूछे थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी अच्छे से पूछी जाएगी इसमें, पॉपुलेशन ये अर्बनाइजेशन ये सब एक्चुअली मिसलेनियस का पार्ट है, हम इसको मिसलेनियस में काउंट करते हैं, जैसे सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, आईएसएफआर की रिपोर्ट हो गई, एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, ये सारे जितना भी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर हो गए, ये सब हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं इसको, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी से 8-10 सवाल तक आ जाते हैं, इकोनॉमी में ज्यादातर करंट अफेयर वाला आता है, जो लेटेस्ट वाला बजट होगा यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो सब आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट जो होते हैं वो ग्रुप में आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे मॉड्यूल में। ठीक है, और उसके अलावा यूपी के बजट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइंस की भी अच्छी खासी पूछी जा सकती है यहाँ पे, इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं 4-5-7-8 सवाल आ जाते हैं, यूपी स्पेशल अच्छा एक चीज है, पीसीएस में तो यूपी स्पेशल इतनी नहीं पूछते हैं, लेकिन आरओ यारो में तो आराम से 15 सवाल तक आ जाते हैं, 15 से 17 तक। ठीक है, रीजनिंग के भी आराम से 13-14-15 सवाल हर बार आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, और रीजनिंग के जो सवाल होते हैं उनका पैटर्न भी फिक्स होता है, जितना मतलब एक फिक्स पैटर्न पे चलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप पीवाईक्यू भी आराम से लगा लो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो भी आराम से किए जा सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, बस पीवाईक्यू लगा के जाइएगा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो सब हम आपको देंगे ग्रुप में, टेंशन मत करिए। करंट अफेयर तो भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर लिया तो आराम से, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए या फिर पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर फॉलो कर लिए, कोई और मैगजीन नहीं लेनी है,
कोई आपको जो है कहीं से करंट का पढ़ना नहीं है, जितना हम देंगे बस उतना ही सफिशियंट है। मंथली करंट जो आता है हमारा वो वन डे एग्जाम और पीसीएस एग्जाम के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, ऑलमोस्ट पूरा कवर कर देता है। और हमारा मेन टारगेट यूपीपीएससी एग्जाम ही रहता है, ठीक है, यूपीपीएससी के एग्जाम पे ही फोकस करके उन्हीं के पैटर्न को लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करके ही हमारा करंट अफेयर बनाया जाता है। इसीलिए करंट अफेयर के ऑलमोस्ट सारे सवाल हर बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आते हैं। करंट अफेयर की प्रोसेस ऐसी कि हम डेली भी इसको कलेक्ट करते हैं, पूरी टीम ही अलग है उसकी, फिर मंथली उसको कंपाइल करते हैं, लगातार जो है हम इसको अपडेट करके रखते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर हम आपको पेड क्विज में भी कई सारा जो है अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज में। इस बार मिसलेनियस के अगर आप देखें पूरा काउंट करके तो 15-20 सवाल तक तो मिसलेनियस से ही आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के 2-4 सवाल बिल्कुल जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वाले 3-4 सवाल। तो भैया टारगेट आपको करके रखना है 145 का, ठीक है। प्रायोरिटी किस तरह से देनी है वो यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी आप लोगों को क्योंकि मॉड्यूल वाइज हम पूरा का पूरा दे रहे हैं इस बार, तो भैया आपके लिए प्रायोरिटी यही है कि बस डेली का डेली मॉड्यूल पढ़ते जाओ, बस जितनी प्रायोरिटी है वो हम अपने आप देंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तो करीबन एक महीने पहले हम उसकी कंपाइल करके पूरा अपडेट करके पीडीएफ आपको दे देंगे कि आप लोग वो करके एक साथ पढ़ें। अभी आप डेली डेली अगर आपने हमारा 120 डेज का मॉड्यूल फॉलो कर लिया, बस उतना ही सफिशियंट है, ठीक है। ग्रुप को लगातार आप फॉलो करते रहिए, आगे के संदेश सुनते रहिए, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि जितना हम ग्रुप में देते जाएं, जो पेड क्विज में हम कराते जाएं, बस वो फॉलो करना है आपको, ठीक है। जो ग्रुप में मॉड्यूल आपको मिलेगा, पेड क्विज में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो डेली के डेली लगाते जाने। और अगर आप मान लीजिए एकदम नए हैं, अभी जो पेड क्विज है वो एक ही चैनल खुलता है एक्चुअली, इससे पहले दो ग्रुप हमारे आरओ के खुल चुके हैं, तो हिंदी की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी चल रही है, ठीक। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको पेड क्विज में अभी ज्वाइन कर दिया गया है। अभी आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आप डेली लगाते जाएं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो बाद में पूरे लगा डालिएगा। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि पेड क्विज अभी से भी लगा सकते हैं, बाकी धीरे धीरे वो सब मॉड्यूल में कवर होता रहेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी पेड क्विज में लगातार जो है हम आपको मॉड्यूल बेस्ड 25 क्वेश्चन भी देंगे, जीएस के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे और हिंदी की भी भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो पेड क्विज है ये इतनी जल्दी हम डिलीट नहीं करेंगे, आरओ यारो का जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही डिलीट करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह की। अगर आपको कहीं से भी अनकंफर्टेबल लगे तो आप क्या करिएगा, सिर्फ मॉड्यूल वाइज जो डेली 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अटेम्प्ट करिएगा, जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो जैसे ही आपका मॉड्यूल पूरे खत्म हो जाए उसके बाद लगाइएगा, अभी सफिशियंट टाइम मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे वो बिल्कुल मॉड्यूल के बाद ही हम देंगे, क्योंकि मॉड्यूल वाइज इस बार हमने पूरा डे वाइज सब पूरा बनाया है, इसमें पूरा डिजाइन किया है। तो डे वाइज का मतलब ये है कि भैया जितना हम डेली आपको दे रहे हैं बस वही पढ़िए, करीबन 12-14 पेजेस होंगे, बस उसी में हम पूरा मिला के देंगे, मोनोटोनस नहीं होने देंगे, उसी में हिंदी भी रहेगी, उसी में जीएस के भी टॉपिक्स रहेंगे, बस आपको डेली वो पीडीएफ पढ़नी है। एक और चीज कि हर पीडीएफ पे हम वीडियो भी बिल्कुल फ्री बनवा के देंगे, आप लोग चाहें जो लोग पेड ग्रुप में हैं कि अगर वो वीडियो भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए सिर्फ रिकमेंडेड यही है कि आप पेड ग्रुप के जो है मॉड्यूल्स को ध्यान से फॉलो करें और पेड क्विज को फॉलो करें, प्लस बीच बीच में जो वॉइस मैसेज आपको देते जाएंगे, कई सारे वॉइस स्ट्रेटेजी बीच बीच में मिलती रहेगी, मोटिवेशनल मैसेज भी मिलते रहेंगे, प्लस और भी कोई लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न का अपडेट हुआ वो हम आपको अपने मटेरियल वाले ग्रुप में देते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप डिस्कशन वाले ग्रुप में है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, कोई भी समस्या हो तुरंत डिस्कशन में हमारे एडुकेटर है वहां पर आप पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज होगी हमारी, 2 दिसंबर को मॉड्यूल खत्म होंगे, 3 दिसंबर से ही टेस्ट सीरीज चालू और दबा के जो है टेस्ट सीरीज करेंगे, मिनिमम 36 टेस्ट कराएंगे जाएंगे। देखिए जो लोग टेस्ट सीरीज में हैं अभी सिर्फ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं आरओ यारओ की तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उनका बेसिक क्लियर है जीएस का या हिंदी का भी वो कर चुके हैं, तो भैया आप लोग ये करिएगा कि सिर्फ जो है पेड क्विज फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यही है, इसी में शेड्यूल में मिल पाएगी। ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, इसमें शेड्यूल होंगे सारे टेस्ट, वो आपको अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भैया ये हिंदी के हैं 6 टेस्ट, ये 8 दिसंबर तक जो है हो जाएंगे। फिर ये पूरे सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 जो सेक्शन वाइज हैं इसके आपको टेस्ट मिल जाएंगे पूरे 12 दिसंबर तक, और फिर फुल लेंथ टेस्ट 10 इसके हैं जीएस के, और 10 हिंदी के हैं, 10 जीएस के हैं। तो वही जिस तरह से पैटर्न जो है ऑफिशियल पेपर आता है बिल्कुल वैसे ही पेपर बना के दिए जाएंगे आपको, तो वो आपको ये है 22 दिसंबर तक हो जाएंगे पूरे टेस्ट, ठीक है। इस तरह से ही पूरा शेड्यूल, ये पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है ये, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हम कितने दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं हम 10 सेक्शन वाइज जीएस के, क्योंकि 10 जीएस के पॉइंट हैं, और हिंदी के जो है 6 सेक्शन वाइज दे रहे हैं क्योंकि 6 हिंदी के पॉइंट है, तो 16 सेक्शन वाइज हो गए, और 20 फुल लेंथ का क्या मतलब कि 10 जीएस के फुल लेंथ जैसा पेपर आता है यानी कि 140 क्वेश्चन वाला, और 10 हिंदी के फुल लेंथ यानी कि 60 क्वेश्चन वाला। तो इस तरह से 36 टेस्ट सीरीज मिनिमम देंगे, बाकी अगर पेपर थोड़ा आगे जाता है तो फिर और कुछ हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, ये मिनिमम है। देखिए ये मैं फिर से बता दूं आपको, अगर डेली मैं जैसे मैंने बताया आपको कि करीबन 13-14 पेज का मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है, कभी कभी 15-16 तक भी हो सकता है, बस आपको यही पढ़ना है, इसी में
जो भी चीजें प्रेफरेंस वाइज हैं, जितना आपको जरूरी है यूपीपीएससी आर ओ आर ओ को निकालने के लिए हम उतना देंगे। जो लोग ये थर्ड वाला ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको मॉड्यूल वाइज ही मिलेगा शुरू में। हाँ, ये जरूर है, मैंने आपको बताया कि जब भी एग्जाम आने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, फिर जो मॉड्यूल वाला है, अभी हम बिल्कुल मॉड्यूल अलग से बना रहे हैं पूरा अपडेट करके, ठीक है। और जब एग्जाम आने वाला होगा करीबन एक महीने पहले, हम आपको अलग अलग पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। करंट अफेयर भी आपको मंथली वाला नहीं मिलेगा थर्ड वालों को, ठीक है, उनको करंट अफेयर भी मॉड्यूल में ही इंक्लूड करके दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े आप पे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो हमारा टारगेट है, डेली जो एक मॉड्यूल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम का अलग मिलेगा, हिंदी मीडियम का अलग मिलेगा, बस डेली वही फॉलो करना है बस। बाकी आप टेंशन ही मत लो, जब एग्जाम आने वाला होगा तो हम आपको करंट अफेयर का भी पूरा कंपाइल करके और दे देंगे पूरा रिवीजन के लिए, ठीक है। जैसे पिछली बार भी हमने जो क्या किया था, करीबन एक साल का जो करंट अफेयर था उसको 220 के आसपास पेजेस में करके दे दिया था, तो वो हम जब एग्जाम आने वाला होगा तो एक महीने पहले सब आपको कंपाइल करके मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपको क्या करना है, डेली मॉड्यूल करना है, एटलीस्ट उसको पढ़ना है ध्यान से। उसको भी कैसे पढ़ना है मैं बता दे रहा हूं, डेली का आपके पास मेरे हिसाब से 4-5 घंटे का आप दे दीजिए, कम से कम 5-6 घंटे मैंने बोला है, उससे कम भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। डेली आपके पास क्या है, 14 से 15 पेज का मॉड्यूल है, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश वाला है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी वाला है। एक चीज और है भैया, जो सामान्य हिंदी है वो हिंदी में ही दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी, समझ रहे हो, क्योंकि भैया हिंदी को हिंदी में ही पूछते हैं, वो इंग्लिश में नहीं मिल सकती है। कई बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग ये भी पूछ लेते हैं कि यार हिंदी को भी इंग्लिश में दे दो, जब सब कुछ इंग्लिश में कर दिया है। अरे सर जी और मैडम जी, जब हिंदी को हिंदी में ही पूछा जाएगा तो आप हिंदी में ही समझो, इंग्लिश में कैसे समझोगे उसको, फिर वो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड आयोग के हैं, हम आयोग के ही पुजारी हैं, हम आयोग को ही जो है सारी चीजें फॉलो करते हैं, बस आपको करना ये है कि आपको हमें फॉलो करना है पूरी तरीके से, जो हमने मॉड्यूल दिया उसको पढ़ डालो डेली डेली, और फिर उसी पे बेस्ड आपको पेड क्विज मिल जाएगी, उस पे क्वेश्चन लगा डालो, 25 क्वेश्चन अभी हम देंगे डेली। इसके अलावा भी हमारी क्विज चल रही है उसी क्विज चैनल में, तो वो हिंदी वाली क्विज है, ठीक है। तो वो हिंदी वाली क्विज के लिए क्या है, हिंदी वाली क्विज आपको अगर अभी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जो लोग पहले से पढ़े हों आरओ आरओ की एक बार तैयारी की हो वो लोग लगा सकते हैं अपना प्रैक्टिस करने के लिए। हिंदी के लिए हम मिनिमम 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे 100 दिन तक, और बल्कि आगे और भी करा सकते हैं। जीएस के लिए भी मॉड्यूल वाइज आपको 25 जो है मॉड्यूल दिए जाएंगे, 120 दिन के 25 मॉड्यूल होंगे। इसके अलावा भी हम जीएस के क्वेश्चन देंगे, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे, बीच बीच में कुछ सेक्शन वाइज स्पेशल क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, जिस तरह से आपके मॉड्यूल होते जाएंगे। थर्ड वाला जो ग्रुप ये चालू हो रहा है 4 अगस्त से, इनकी सुविधा के लिए हम एक काम और करेंगे कि जो पेड क्विज में, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है 25, तो जो उसका स्टार्टिंग क्वेश्चन की लिंक हम आपको थर्ड वाले मटेरियल वाले ग्रुप में दे देंगे, भैया आप इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ऐसे ही डे टू का आया तो उसके क्वेश्चन हम आपको डेली लिंक देते जाएंगे, जैसे जैसे वो मॉड्यूल पे बेस्ड 25 क्वेश्चन हम क्रिएट करते जाएंगे पेड क्विज में, तो आपको वो वाले क्वेश्चन तो जरूर से जरूर लगाने हैं। उसके अलावा भी हिंदी की अभी लगातार क्विज हो रही है, तो वो भी आप लगाते रहिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जीएस के भी बीच बीच में क्वेश्चन मिलते जाएंगे। एक और चीज है कि भैया जो मॉड्यूल है, अब जैसे मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी और जीएस भी मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन हम देंगे अभी शुरू में, जो टॉप 25 क्वेश्चन देंगे, वो हम सिर्फ जीएस पे ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी के लिए हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बाकी कोई भी आपको असुविधा होती है, कोई मॉड्यूल में चीज नहीं समझ में आती, अगर आप डिस्कशन ग्रुप में है तो आप वहां पर आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि भैया मॉड्यूल वाइज बस आपको जितना दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है डेली, फालतू लिबिल लिबिल नहीं करनी है, करना यही है बस। और मॉड्यूल को डिजाइन भी इसी तरह से किया गया, काफी मेहनत करके हमने ये चीज बनाई है, और बहुत ज्यादा लेटेस्ट अपडेटेड है बस। ये लेटेस्ट वाला जो जितना भी अपडेट है ये सब थर्ड वाले में ही मिलेगा। हाँ, इससे पहले जिन लोगों ने 1-2 वाला भी ज्वाइन किया है उनको भी अगर कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज जोड़ी जाएगी तो अपने आप अपडेट कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने भी लोग 2022-23 के जो आर ओ आर वाले हमारे ग्रुप में है, सारे ग्रुप पैरेलल ही चलते हैं, बस यहाँ पे थर्ड वाले में तरीका थोड़ा चेंज है कि यहाँ मॉड्यूल वाइज मिल रहा है। तो मॉड्यूल में क्या है, हिंदी भी है मैंने बताया आपको, जीएस में कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस है, पॉलिटी है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, तो हमने क्या किया है हिंदी के साथ साथ 3 से 4 सेक्शन इधर वाले उठा के, ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे, और वो मिक्स करके दिया है। बस आपको क्या करना है, जैसे आपको मॉड्यूल 8:30 बजे मिला, ठीक, तो 8:30 बजे पहले क्या करिए, एक रीडिंग आप पूरी मार लीजिए कि 13 से 14 पेज की, कि हाँ ये आज का हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करिए, दूसरी रीडिंग फिर से मारिए, 2 रीडिंग एटलीस्ट मारनी जरूरी है दोनों की। एक रीडिंग आपने मारी नॉर्मल सी, एक ओवरव्यू टाइप का हो गया कि अच्छा ये इस तरह से है, फिर दूसरी रीडिंग में क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। कुछ लोगों को याद नहीं हो पाता है तो वो लोग ये कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, 13 से 14 पेजेस हैं सिर्फ आपके पास, तो आप एक पेज पढ़िए और 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब करीबन 10-15-20 सेकंड अपनी आंख बंद करिए और अपने मन को समझाइए कि मतलब ये है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको पूरा का पूरा अपने मन को बता दीजिए, मतलब आंख बंद करके एकदम अंधेरा सा जब लगे आंखों में
तो अपने आपको अपने दिमाग को बता दीजिए कि भैया जी ये है दिमाग भाई साहब, ये अपने में स्टोर कर लो, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो ये हमको बता देना। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है चीजों को लंबे समय तक याद रखने की। ठीक है, इस तरह से आप डेली मॉड्यूल पढ़िएगा तो पहली रीडिंग नॉर्मल, दूसरी रीडिंग में आप अपने दिमाग भाई साहब से बातचीत करते हुए करते जाइए बातें और ध्यान से पढ़िए इसको। दोनों को मिला के करीबन ये वाली जो रीडिंग है वो एक घंटे में होनी चाहिए, ये वाली रीडिंग के लिए करीबन दो घंटे का टाइम लगना चाहिए। फिर एक घंटे का टाइम आप लीजिए अपने नोट्स बनाने में। नोट्स में क्या क्या करना है, देखिए हम वैसे तो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वही नोट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अपने भी कुछ खुद के नोट्स डेवलप करें। और नोट्स को ये ध्यान रखिए मिनिमम से मिनिमम पेजेस में करना है। सिर्फ एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए, उसी में मॉड्यूल वाइज बस आपको करना है। ठीक है, जितना हम मॉड्यूल देंगे बस उसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 पेजेस की ही होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी के मत बनाइएगा इसमें, क्योंकि हिंदी को मैंने बताया आपको अगर आप लोग बीच में डिमांड भी करेंगे इसमें तो हम हिंदी को टोटल भी एक साथ दे सकते हैं। और हिंदी को भी हमने काफी ज्यादा जो है कंसाइज कर दिया है पिछली बार से, करीबन इस बार 240 पेजेस का है वो हिंदी का पापा पीडीएफ पूरा। ठीक है, और वो सफिशियंट है 60 नंबर की पूरी तैयारी कराने के लिए। उसके साथ साथ पेड क्विज में प्रैक्टिस करनी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाने भी जरूरी है। लेकिन नोट्स में क्या करना है, डेली जैसे डे वन आपने बनाया 120 दिन का है मॉड्यूल, ज्यादा से ज्यादा 120 पन्ने के नोट्स होने चाहिए। 100 पेज ना सही 200 पेज ले आओ, लेकिन 120 पन्ने ज्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए। एक पेज में आपको डेली नोट्स बनाना है। नोट्स में क्या, वही चीजें जो आप भूल जाते हैं पहली बात तो, और या फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है तो। अदरवाइज ये नहीं भी कर पाओगे, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, तो भैया हमारा जो मॉड्यूल है फॉलो करते जाइए। फिर आप ये करिए कि कम से कम इसको डेली जो मॉड्यूल है उसको 3 बार पढ़िए। ठीक है, और एक और चीज करिएगा ध्यान से, रिवीजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई करने का, रिवीजन को कतई मत छोड़िएगा। जब आप इस तरह से मान लीजिए 7 दिन आपने मॉड्यूल फॉलो किए, ठीक है, 7वें दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके, क्योंकि जो मॉड्यूल है मैंने आपको बताया तो 4-5-6 घंटे, लेकिन आप ये देखिए कि मॉड्यूल सिर्फ 13 से 14 पेजेस का है, ज्यादा ज्यादा इसमें टाइम लगेगा 3 घंटे या 3.5 घंटे। तो आपके पास डेली जो टाइम बच रहा है तो उसमें मटर गश्ती मत करिए। जैसे जैसे मान लीजिए डे वन हुआ, डे टू हुआ, डे थ्री हुआ, तो ये जो पुराना वाला है ना इसके नोट्स अगर आप एक एक पेज के बनाते रहेंगे तो फिर वो हर हफ्ते के एंड में रिवीजन करते रहिएगा। और एक एक पेज से कम में बनाइए, बल्कि एक पेज तो मैंने मैक्सिमम बताया है, फिर भी अगर एक पेज का भी बन रहा है तो उसको हर हफ्ते रिवीजन भी करना चालू रखिएगा। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है एग्जाम में आपको फाइनली सफलता पाने का। एक रिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफिशियल सिलेबस आप समझ ही गए हैं, पैटर्न आप समझ ही गए हैं, इतना टारगेट है आपका वो भी आप समझ ही गए हैं, बाकी डेली हम आपको नोट दे ही रहे हैं, करंट अफेयर भी आपको मॉड्यूल में ही अपडेट कर ही दे रहे हैं, तो अलग से टेंशन है ही नहीं है आपकी। जितनी भी चीजें हैं बस आपको ग्रुप में फॉलो करना है। एग्जाम आज आने वाला होगा तो 1 महीने पहले हम आपको कंपाइल करके नोट दे ही देंगे, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है कि अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन जब भी आए दिसंबर के एंड से पहले जो है एग्जाम नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। उसी तरह से इस पूरे टेस्ट सीरीज का, मतलब इस पूरे जो है मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया उसी की तरह से टेस्ट सीरीज का भी पूरा जो है अरेंजमेंट रखा गया है, उसी तरह से मॉड्यूल डिजाइन करे गए हैं, प्लस हमारी टीम लगातार लगी हुई है सारे अपडेट्स, सारे ट्रेंड, सारे पैटर्न को फॉलो करने में। जो भी चीज होगी हम आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में वॉइस मिलते रहेंगे। और इस ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो यहीं से खत्म होता है। कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आप डिस्कशन में भी पूछ सकते हैं या फिर यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तो वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी आने वाले वीडियोज में। अदरवाइज मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट बता दिए आपको। एक और चीज है पेड ग्रुप वालों के लिए, अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो शुरू में ये 3 नंबर जो होते हैं जो आपको ग्रुप में जोड़ने तक मदद करते हैं, ठीक है, इसके बाद कोई टेक्निकल डाउट हो तो इन 3 पे आपको नहीं पूछना है, ये मार्केटिंग और सेल्स के नंबर हैं। सिर्फ ये मेरा नंबर ध्यान से देख लीजिए 7838692618, यहां पे आप कोई भी गाइडेंस रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ लिख के ही मैसेज करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने पूरा फुल पेड ग्रुप लिया है विद डिस्कशन वाला, वो लोग अपनी क्वेरी कभी भी डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो शुरू सुबह से लेकर शाम तक रात तक जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें तो ऑलमोस्ट हम तुरंत तुरंत जवाब देते हैं, कभी अगर रात में 3 बजे पूछोगे तो शायद ना मिल पाए, ठीक है। और अदरवाइज हमारा क्लेम यही कि 6 घंटे के अंदर ही हम सारे जवाब दे देते हैं, ठीक है। फिर भी कभी कोई समस्या हो, कोई फीडबैक हो, किसी भी तरह से कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप इस वाला, ये मेरा नंबर है पर्सनल, इस पर आप तुरंत मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर लिख के। स्ट्रेटेजी वीडियो समाप्त होता है यहाँ से। इसके बाद जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं कैसे डाउनलोड करनी है, प्लस कुछ और जरूरी बातें, वो सब आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें सेकंड वीडियो में बताएंगे।